क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर प्राइमरी अमीन पॉसिबल फॉर फार्मूला C4H11-9। तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है, मीन्स आपका इसमें आपका पोजीशन भी हो सकता है और आपका चैन आइसोमर भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो जितने भी स्ट्रक्चरल हैं सब आप ड्रा करेंगे। तो अब आपका क्या कह रहा है, प्राइमरी अमीन है। अब प्राइमरी अमीन का मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप। प्राइमरी अमीन का मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप। अब आपका यहाँ पर एक कार्बन हो गया, अब देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, चार कार्बन हैं। तो आपका चार कार्बन है एक आइसोमर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेन के रूप में, ठीक। ये CH3, CH2, 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 NH2 हो जाएगा, क्यों, सैचुरेटेड है। देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 सैचुरेटेड है, ठीक, सैचुरेटेड है। तो आपका इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब देखिए प्राइमरी अमीन है, तो ये जो है आपका प्राइमरी अमीन ही, फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अमीन को हम यहाँ पर क्या है, पहले कार्बन पे लगा है 1 है, इसको हम लोग दूसरे पे लगा सकते हैं H3C CH2CH NH2 CH3। ये भी आपका प्राइमरी अमीन है, एक आइसोमर ये हो गया, ये 1 अमीनो है और ये क्या है, 2 अमीनो है, क्या है, 2 अमीनो ब्यूटेन हो गया, ठीक। अब देखिए पोजीशन आपका नहीं चेंज हो सकता, अब पोजीशन इस पे करेंगे तब भी 2 रहेगा और इस पर करें तब आपका 1 है। तो केवल आपका चार कार्बन में 2 पोजीशन हो सकती हैं, लेकिन आपका यहाँ पर देखिए चैन जो है आपकी चेंज हो सकती है। अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम CH3 लिख सकते हैं, CH3 CH2 NH2 ये लिख सकते हैं, ठीक। फर्दर यहाँ पर देखिए इस मेथिल ग्रुप की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और मेथिल ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 NH2, ठीक। और अब इस यहाँ पर चेन आपका देख रहे हैं 3 कार्बन की चेन में, एक तो 4 कार्बन की चेन थी, 4 कार्बन की चेन में 2 आइसोमर बन जाएंगे, 3 कार्बन की चेन है तब आपके 2 आइसोमर बन जाएंगे। अब आपका फर्दर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अमीनो ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब अमीनो ग्रुप की पोजीशन को चेंज करें या आपका कार्बन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 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 NH2 क्या होगा, ये हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये और ये दोनों क्या हैं, सेम है। यहाँ पर चेन आपकी 4 कार्बन की है और यहाँ पर भी आपका 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर भी 4 कार्बन की चेन है। तो आपका कितने आइसोमर हो गए, ये दोनों एक हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया और चौथा क्या हो गया, ये हो गया। अब क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो ये आपके होंगे। तो इस तरीके से इसके प्राइमरी अमीन में जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H11N है, कितने आइसोमर्स होंगे, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कब, जब प्राइमरी अमीन होगा। अब इससे अगर सेकेंडरी बनता, टर्शियरी बनता तो अभी हम लोग उसको पढ़े नहीं हैं, तो आगे देखेंगे टोटल कितने हो सकते हैं, ये आपके यहाँ पर प्राइमरी अमीन के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ड्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक। तो अगर आपका बेंजीन है तो बेंजीन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपका बेंजीन है, अब डाई ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो का मतलब एक BR यहाँ लग गया। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या है, 3 पोजीशन है, आर्थो है, ये मेटा है और आपका ये क्या है, पैरा है। तो एक तो आपका डाई ब्रोमो रहेगा तो एक तो आर्थो हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, आर्थो डाई ब्रोमो हो जाएगा, डाइब्रोमो बेंजीन, और आपका BR मेटा हो जाएगा, क्या होगा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, और क्या हो जाएगा, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन होंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर बेंजीन रिंग है और 2 ग्रुप हैं तो 3 आपके पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर पोजीशन आर्थो, आप ये आपका आर्थो हो गया, ठीक, तो जाए इस पर हो या इस पर हो, आर्थो होगा,
इस पर है, इस पर होगा तो मेटा होगा, और ये क्या होगा, पैरा है। तो आपके तीन तरीके के आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक ना। अब तीन तरीके के आइसोमर्स होंगे तो फर्दर इसमें क्वेश्चन क्या है, एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, व्हेन ईच आइसोमर्स इज फर्दर ब्रोमिनेटेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव्स आर अपडेट। इसका फिर से ब्रोमिनेशन किया गया, इसका ब्रोमिनेशन फिर से करते हैं, ठीक। बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ या फिर सी एल थ्री या फिर बी आर थ्री ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एक पोजीशन इस पर लगे या इस पर लगेगा, तो दोनों क्या है पोजीशन सेम होंगी, और इस पर या इस पर लगेगा तो दोनों पोजीशन सेम होंगी। तो आर्थो वाले से क्या बनेंगे, दो डेरिवेटिव बनेंगे, क्या बनेंगे, दो डेरिवेटिव बनेंगे बी आर बी आर। अब आपका एक ये हो सकता है, ठीक, या यहाँ पर लगाएंगे या तीनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो जाएंगे। और दूसरा क्या बन सकता है, बी आर और आपका ये हो सकता है, ठीक। तो एक के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, जो अगला ग्रुप आएगा या तो आर्थो होगा किसी दोनों के या इसके दोनों के मेटा होगा, ठीक ना। तो एक का क्या हो जाएगा, वो पैरा हो जाएगा। तो कितने आइसोमर बनेंगे, आर्थो डेरिवेटिव से टू आइसोमर्स बनेंगे, ठीक। और मेटा डेरिवेटिव से अगर मेटा पर ब्रोमिनेशन किया गया बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ एफ बी आर थ्री, अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो देखिए एक पोजीशन तो आपका ये हो गया, दो पोजीशन हो गई और ये तीन पोजीशन हो गई, जिसमें कितने आइसोमर बनेंगे, जितने भी आपके हाइड्रोजन खाली हैं किसी भी पोर्शन पे वहाँ पर सभी पे क्या हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है। अब ब्रोमिनेशन हो सकता है तो इस केस में देखिए कितनी पोजीशन वैकेंट हैं, एक तो आपका ये पैरेंट हो गया डाइब्रोमो, अब डाइब्रोमो हो गया तो इसमें देखिए एक आपका यहाँ लग सकता है, ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है या आपका यहाँ पर लग सकता है, प्लस बी आर मेटा है, ये आपका एक यहाँ पर लग सकता है, ठीक, और क्या हो सकता है, एक आपका यहाँ पर लग सकता है। तो तीन तरीके के आइसोमर ऑप्टेन होंगे, कब, जब आपके मेटा पोजीशन पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो तीसरा ग्रुप जब आएगा तो उसमें कितने आइसोमर बनेंगे, तीन आइसोमर्स बनेंगे, ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, थ्री आइसोमर्स हैं। और अगर पैरा का हम ब्रोमिनेशन करते हैं बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ एफ बी आर थ्री, तो यहाँ पर कितनी पोजीशन है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये सेम है, इसके रिस्पेक्ट में ये सेम है, तो कहीं पर भी लगाएंगे तो केवल और केवल क्या होगा, एक आइसोमर बनेगा बी आर। अब चाहे आप यहाँ लगाइए तब आपका वन टू और थर्ड फोर्थ पोजीशन पे होगा, चाहे आप यहाँ लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, केवल वन आइसोमर्स बनेगा, क्या बनेगा, बस आइसोमर्स बनेगा। तो पहली चीज कि आपका डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स में अगर आपका फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे सारे हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और आपका देखा जाए तो आर्थो वाला जो डेरिवेटिव होगा उससे केवल दो आइसोमर्स, मेटा वाले से तीन आइसोमर्स और पैरा वाले से केवल केवल एक आइसोमर्स बनेगा। तो इसके लिए जो है कार्नर्स ने एक अप्सोल्यूट मेथड दिया था कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, उसे हम लोग कार्नर्स अप्सोल्यूट मेथड बोलते हैं। तो क्या कि इफ लिख लीजिए, इफ टू सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ यहां लिख देते हैं हम, इफ टू सिमिलर ग्रुप्स are present in benzene ring, कब, जब सिमिलर हो, दोनों ब्रोमीन सिमिलर है, if two similar groups are present in benzene ring, electrophilic substitution occurs at all positions occurs at
ऑल पोजीशंस एंड ऑर्थो आइसोमर्स गिव्स टू आइसोमर्स ऑर्थो आइसोमर्स गिव टू आइसोमर्स कॉमा मेटा आइसोमर्स गिव्स थ्री आइसोमर्स एंड पैरा आइसोमर्स गिव्स ओनली वन पोजी आइसोमर गिव्स ओनली वन आइसोमर ठीक. दिस मेथड कौन दिया था? दिस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड. एब्सोल्यूट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर आपका डाई ब्रोमो बेंजीन है तो उसके तीन आइसोमर्स होंगे, अगर इसका फर्दर मोनो सब ब्रोमिनेशन हुआ तो क्या होगा. आर्थो वाले से देख रहे हैं जितनी पॉसिबल पोजीशन होंगी सभी पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. तो आपने देख लिया कि कितनी पॉसिबल पोजीशन है, यहाँ पर केवल दो पोजीशन पॉसिबल है, यहाँ दो आइसोमर, यहाँ पे आपके एक दो तीन पोजीशन है जो डिफरेंट है, तो तीन आइसोमर्स बनेंगे. यहाँ पर केवल एक ही पोजीशन ऐसी है जो जिसपे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा मोनो तब भी आपका सेम प्रोडक्ट, यहाँ पर होगा तब भी सेम प्रोडक्ट, यहाँ पर होगा या यहाँ पर तब भी सेम प्रोडक्ट होगा. तो कहने का मतलब पैरा आइसोमर से केवल आपके क्या होंगे, दो आइसोमर्स ही फॉर्म होंगे, सॉरी एक आइसोमर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी एट एच टेन ठीक, कोई आपका कंपाउंड है, इसका क्या करते हैं KNO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो बी बनता है, जिसमें कार्बन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन आपके चार कम हो गए और ऑक्सीजन चार बढ़ गए, और ना इसका फर्दर नाइट्रेशन करते हैं तो केवल वन टाइप ऑफ मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन में अगर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देख लेंगे, अगर कार्बन की संख्या क्या है, छः है या छः से अधिक है, और हाइड्रोजन का रेशियो एल्केन एल्कीन या एल्काइन से कम है. एल्केन में कितना होता है, इसका दुगने से अधिक होता है, दो अधिक होता है, एल्कीन में दुगने से दुगने के बराबर होता है, और एल्काइन में क्या होता है, दुगने से दो कम होता है. तो 8 × 16 से दो कम होगा, कितना 14 होना चाहिए. लेकिन जब आपका इस तरीके का रेशियो हो कि कार्बन की संख्या क्या हो, 6 से अधिक हो और हाइड्रोजन का रेशियो बहुत कम होगा, तो इसमें एक बेंजीन रिंग होगा. क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, और ये एरोमेटिक होगा. ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका कार्बन की संख्या क्या है, 6 या 6 से अधिक है, और हाइड्रोजन का रेशियो
ना एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी से कम है तो क्या होगा उसमें एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट प्रेजेंट होगी। तो एक बेंजीन रिंग हो गई, अब आपका बेंजीन रिंग हो गई फर्दर यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो बेंजीन रिंग पे कोई भी आपका कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो चाहे जितने कार्बन की चेन होगी ठीक जितनी कार्बन की चेन होगी सारी के सारे कार्बन की चेन ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और ये जो एक कार्बन मतलब पूरा का पूरा चेन टूट जाता है और जो एक कार्बन होता है ये कार्बोक्जिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कार्बोक्जिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई कार्बन रिमूव नहीं हो रहा है और कोई कार्बन जब रिमूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि दोनों के कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं, इसका मतलब दोनों डिफरेंट अलग अलग कार्बन प्रेजेंट हैं। अब आपका एक सी एच थ्री एक सी एच थ्री प्रेजेंट है। अब इसकी पोजीशन क्या है एक दूसरे के? अब अगर देखिए यहाँ पर हम लोग नाइट्रेशन कर रहे हैं तो मीन्स आपका जब ये बनेगा ठीक तो ये आपका जब बनेगा तो क्या होगा ये बेंजीन रिंग है और ये दोनों किसमें कार्बोक्जिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक। क्यों? क्योंकि KMnO4 कोई भी साइड चेन है तो उसको क्या करती है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देती है और जो कार्बन केवल बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है वो कार्बन कार्बोक्जिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका मान लो बेंजीन रिंग से जुड़े हैं क्योंकि दोनों कार्बन अगर एक ही चेन के पार्ट होते तो ये अलग हो जाता है, एक कार्बन कम होता लेकिन कार्बन की संख्या कम नहीं हो रही है, इसका मतलब कि दोनों अलग अलग बेंजीन रिंग पे जुड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये COOH में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है नाइट्रेशन में केवल ओनली वन टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। अब बताइए अभी हमने बताया दो सिमिलर ग्रुप हैं, वन टाइप का प्रोडक्ट कब बनता है जब एक दूसरे के क्या होते हैं पैरा होते हैं। इसका मतलब दोनों ग्रुप आपके ये एक दूसरे के पैरा होंगे तभी नाइट्रेशन पे क्या होगा केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या होगा टेरिफ्थैलिक एसिड होगा, मीन्स आपका पैरा डाइकार्बोक्जिलिक एसिड बेंजीन होगा। तो आपका ये ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होंगे? कहाँ होंगे? ये एक दूसरे के पैरा जाइलीन होगा। क्या होगा? पैरा जाइलीन। हमने बताया कि दो मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हैं किसी एरोमेटिक रिंग पे बेंजीन रिंग पे तो उसको हम लोग जाइलीन बोलते हैं, अगर आर्थो है तो आर्थो जाइलीन, मेटा है तो मेटा जाइलीन और पैरा है तो पैरा जाइलीन ठीक। दो आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया कौन कौन सी, एक तो चैन आइसोमर या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म ठीक। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें क्या हो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल का मतलब क्या है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो ठीक, मतलब टू आर मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग कह सकते हैं क्यों आपके ये एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप में केवल डिफरेंस है तो क्या होगा ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। मीन्स आपका टू आर मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स हमने कह दिया तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहने की आवश्यकता नहीं है। टू आर मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स
आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या कहलाती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखिए आपका जो फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं इसमें सी सी डबल बॉन्ड एंड सी सी ट्रिपल बॉन्ड आल्सो कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप, आल्सो कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप की भांति इसको भी हम लोग ट्रीट करेंगे यहाँ पर, ठीक। क्या फंक्शनल ग्रुप की भांति ट्रीट करेंगे? तो अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सी एच थ्री ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। और यहाँ पर क्या है फंक्शनल ग्रुप? ईथर है, ठीक। क्या है? ईथर है। तो देख रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों स्ट्रक्चरल क्यों हो गए? क्योंकि इनमें लिंकेज आपका या कहिए कनेक्टिविटी किसी भी एटम की क्या होती है? डिफरेंट होती है। और डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब स्ट्रक्चरल में क्या है? फंक्शनल ग्रुप केवल डिफरेंस है। अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे, ठीक। क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। तो अगर देखें हम लोग तो इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग और देखें तो देखिए एल्कीन में पहला एल्कीन का केस, एल्कीन या जनरल फार्मूला जिनका क्या है CnH2n, तो CnH2n है। तो इससे बताइए किन किन का फार्मूला होता है ये? एक तो आपका दो हाइड्रोजन कम है, तो दो हाइड्रोजन कम होने से क्या होगा? या तो एक पाई बॉन्ड बन सकती है या तो एक साइकिल बन सकती है। मीन्स आपका इनसे जो आइसोमर्स बनेंगे वो क्या होगा? या तो एल्कीन होगा, एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन होगा। क्या होगा? साइक्लो एल्केन होगा। फॉर एग्जाम्पल C3H6, तो C3H6 से CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बन जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दूसरे CH2CH2CH2, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो एक दूसरे के क्या हो गए? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कीन है। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमने बताया कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो हमने बताया आपको, ये भी डिस्कस किया कि एल्कीन एंड एल्काइन आल्सो कंसीडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो जब भी आपका फार्मूला क्या होगा? CnH2n होगा, तो उससे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एल्कीन होगा दो हाइड्रोजन कम होने से, या तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, या तो क्या बनेगी? साइकिल बनेगी, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल CnH2n-2, अगर ये फार्मूला है तो ये फार्मूला से क्या क्या हो सकता है? देखिए आपका एक तो एल्काइन हो सकता है, ये मीन दो पाई बॉन्ड हो सकती हैं, और दोनों पाई बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे है तो एल्काइन हो गया। या आपका पाई बॉन्ड की संख्या क्या हो गई? पाई बॉन्ड की संख्या अलग अलग हो गई, तो एल्का डाइईन हो जाएगा, दो एल्का डाइईन हो जाएगा, या साइक्लो एल्कीन हो जाएगा, साइक्लो एल्कीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चार सैचुरेटेड से का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये सैचुरेटेड होता है। अब सैचुरेटेड से यहाँ पर दो हाइड्रोजन कम हुआ, तो दो हाइड्रोजन कम होने से या तो एल्कीन बनेगा या साइक्लो एल्कीन बनेगा। अगर चार हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या होगा? एक दो हाइड्रोजन कम होने से एक पाई बॉन्ड बना, तो चार हाइड्रोजन कम होने से क्या हो गया? दो पाई बॉन्ड बनेगा। अब दो पाई बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे है तो क्या हुआ? एल्काइन। अगर आपका क्या है अलग अलग है तो एल्काडाइन, या एक साइकिल बनने से दो हाइड्रोजन कम होता है और एक डबल बॉन्ड बनने से तो साइक्लो एल्कीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें C4H6, ठीक, C4H6, ठीक ना, 4×8 इसमें से दो घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये देखिए CH3CH2C CH, एक तो ये हो सकता है, क्या बनेगा? एल्काइन हो सकता है, ठीक ना, और दूसरे क्या हो सकता है? CH2CH2, एक ये हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ठीक। तो आपका ये पॉसिबिलिटी है, तो क्या बन जाएगा? देखिए एक एल्कीन, दो यहाँ पर आपका 3, 2, 5, 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन,
तो एक आपका क्या बन गया, ये एल्काइन बन गया, ठीक ना, ब्यूटाइन है ये, ब्यूटाइन, ये क्या बन गया, ब्यूटा डाइईन बन गया, डाइईन बन गया, और ये क्या है, साइक्लो ब्यूटीन बन गया, साइक्लो ब्यूटीन। तो जब आपके चार हाइड्रोजन कम होंगे तो आपके तीन तरीके के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज में होंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर क्या है, एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर क्या हो गया, एल्कीन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, एल्कीन भी है प्लस साइक्लिक भी है, तो तीन तरीके के फंक्शनल आइसोमर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। नेक्स्ट आपका अगर CnH2n+2O, ठीक, तीसरा चौथा एग्जाम्पल क्या, CnH2n+2+O, तो इससे क्या क्या बन सकता है, देखिए इससे एक तो आपका क्या बनेगा, सेपरेटेड है तो एक तो एल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनेगा, एंड क्या बनेगा, ईथर बनेगा, क्या बनेगा, ईथर बनेगा, मीन्स आपका इससे क्या बनेगा, तो एल्कोहल बनेगा या तो ईथर बनेगा, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए C2H6O फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, या आपका क्या होगा, CH3OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इस तरीके का फार्मूला हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला हो और एक ऑक्सीजन अधिक हो, तो उससे कितने तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, दो तरीके के, कौन कौन से, एल्कोहल और ईथर, ठीक, कौन बनेंगे, एल्कोहल और ईथर बनेंगे। अगर आपका ये क्या हो, अनसैचुरेटेड एल्कीन टाइप का हो, क्या हो, अनसैचुरेटेड एल्कीन हो, जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल CnH2nO, क्या हो, CnH2nO, यहाँ पर देख रहे हैं दो हाइड्रोजन कम हो गए, और दो हाइड्रोजन कम हो गए तो क्या हुआ, या तो आपका एक अनसेचुरेशन होगा या तो एक साइकिल बनेगी, ठीक, क्या होगा, या तो एक अनसेचुरेशन होगा या तो एक साइकिल बनेगी, तो अनसेचुरेशन से क्या बनेगा, एक तो एल्डिहाइड बन सकता है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, क्या, कीटोन बन सकता है, और डबल बॉन्ड इनाल बन सकता है, क्या बन सकता है, ईन डबल बॉन्ड रहेगा और एल्कोहल रहेगा, और क्या रहेगा, ईन अनसैचुरेटेड ईथर हम कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड, ये क्या है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल बन सकता है और अनसैचुरेटेड ईथर बन सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर बन सकता है और क्या बन सकता है, साइक्लिक ईथर बन सकता है, साइक्लिक एल्कोहल बन सकता है एंड साइक्लिक ईथर बन सकता है, ठीक, क्या बन सकता है, साइक्लिक ईथर बन सकता है। देखिए कैसे बन सकता है, देखते हैं हम लोग, अगर आपका किसी कंपाउंड का फार्मूला मान लो क्या है, C3H6O है, ठीक, C3H6O है, तो इसको क्या हो सकता है, CH3CH2COH, क्या बनेगा, ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन कम है, तो एक या तो डबल बॉन्ड बनाइए या तो साइकिल बनाइए, तो जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आपका ये के बन सकता है, अब आपका ये दोनों के ये एल्डिहाइड हो गया, CH3COCH3, ये क्या हो जाएगा, कीटोन बन सकता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप, दोनों डिफरेंट हैं, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, या आपका अनसेचुरेटेड क्या बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है, इन और आल दोनों हो सकते हैं, या अनसेचुरेटेड ईथर बन सकता है, CH2COCH3, क्या बन सकता है, अनसेचुरेटेड ईथर बन सकता है, या क्या बन सकता है, साइक्लिक एल्कोहल बन सकता है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन से दो हाइड्रोजन कम हुआ तो आपका एक साइकिल बन गया, OH लग गया, साइक्लिक एल्कोहल बन सकता है और क्या बन सकता है, साइक्लिक ईथर बन सकता है, क्या बन सकता है, साइक्लिक ईथर बन सकता है, ठीक। तो ये आपके कितने तरीके के आइसोमर हो जाएंगे इस फार्मूले से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके के कंपाउंड
स्ट्रक्चरल छह तरीके के फंक्शनल आइसोमर्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इससे दो फंक्शनल आइसोमर्स, दो फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक, यहाँ पर छह फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे इससे, ठीक। और यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी आपका एक दो तीन मिटा दिए हैं, और ठीक। तो यहाँ पर आपका एल्काडाइन और साइक्लिक साइक्लोएल्किन तीन तरीके का बन जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तरीके के बने हैं फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक। तो ये फार्मूला आपका सेम है, इस फार्मूले से कितने कंपाउंड हो गए, इस फार्मूले से देख रहे हैं अगर दो हाइड्रोजन कम हो गया और एक ऑक्सीजन अधिक हो गया तो कितने हो जाएंगे, छह तरीके के आइसोमर्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपका क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन कम है CnH2n और दो ऑक्सीजन हो गया, ठीक, तब आपका जो कंपाउंड बनेगा कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, आप देखो दो हाइड्रोजन कम हुआ और दो ऑक्सीजन हो गए, तो दो हाइड्रोजन कम होने से एक पाई बांड बन सकता है या तो साइकिल बनेगा, और दो ऑक्सीजन है और एक पाई बांड हो तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, दूसरे कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एस्टर हो सकता है ये, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है बताइए, क्या बन सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन सकता है, क्या बन सकता है, हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन सकता है, मतलब हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बन सकता है, और क्या बन सकता है, हाइड्रॉक्सी कीटोन बन सकता है, क्या बन सकता है, हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, हाइड्रॉक्सी कीटोन बन सकता है, और आपका इन डाइयार बन सकता है, इन डाइयार बन सकता है, और क्या बन सकता है, साइक्लिक साइक्लिक डाइयार बन सकता है या साइक्लिक डाई ईथर बन सकता है, क्या बन सकता है, साइक्लिक डाई ईथर बन सकता है, ठीक। तो अब जो है देखिए, जैसे मान लो किसी कंपाउंड का फार्मूला C3H3O6 ये हो गया, ठीक, किसी कंपाउंड का फार्मूला क्या है, C3H6O2 है, तो इससे क्या बन सकता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH2COOH, एक तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, या आपका ये क्या बन सकता है, एस्टर बन सकता है, CH3OOCH3 ये बन सकता है, या आपका क्या बन सकता है, हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बन सकता है, हाइड्रॉक्सी CH2OH CH2COH ये बन सकता है, और क्या बन सकता है, हाइड्रॉक्सी कीटोन बन सकता है, हाइड्रॉक्सी कीटोन CH2OH CO CH3 ये बन सकता है, हाइड्रॉक्सी कीटोन बन सकता है, और क्या बन सकता है, इन डायल क्या बन सकता है, ये आपका डबल बॉन्ड है CH CH, यहाँ पे OH और यहाँ पर आपका CH2OH, एक तो ये बन सकता है, क्या बन सकता है, इन
डायल बन सकता है, ठीक, और दूसरे क्या बन सकता है, ये साइक्लिक डायल बन सकता है। तीन कार्बन है, ये साइकिल हो गया, दो आपके OH ग्रुप लग गए, क्या बन गया, ये साइक्लिक डायल बन सकता है, और क्या बन सकता है, साइक्लिक ईथर बन सकता है। ठीक, क्या बन सकता है, ये साइक्लिक ईथर बन सकता है। इसका भी फार्मूला आपका देखिए, CH2 CH2 CH2, छह कार्बन हो गए, छह हाइड्रोजन, तीन कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो इतने तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। और ये सभी के सभी क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सब में फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंस है, इसमें देख रहे हैं क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें एस्टर ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइडिक और एल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें कीटोनिक और एल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें आपका कीन और एल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब आपका एल्कीन और एल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पर आपका डाइयाल है, ये क्या है, डाई ईथर है। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स आपके फॉर्म हो सकते हैं। अब देखिए, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केवल एक कार्बन हो और फंक्शनल ग्रुप हो, तो कभी भी आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। ठीक, क्या नोट कर लीजिए कि CH3OH, ठीक, मतलब एक कार्बन हो और उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप हो, CHO, क्या HCHO, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, या क्या बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, ठीक, एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो और आपका फार्मिक एसिड HCOOH, जिसमें आपका क्या हो, एक कार्बन हो, ये डू नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म में नहीं शो करेंगे। कब, जब आपका क्या हो, एक ही कार्बन हो, ठीक, मतलब और चेंज होने के चांसेस ना हो, तो वहां पर आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। देखिए, किसी का भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, चाहे हैलोजन हो या एल्कोहल हो या अमीन हो या कोई भी साइनाइड हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। देख लाइन और लिख लीजिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स हो गए, एल्कोहल्स हो गए, ठीक, क्या हैलाइड्स हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स हैलाइड्स इटीसी, कोई भी इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में है, तो आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स, ये क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। मीन्स आपका कोई अमीन है, वो क्या है, प्राइमरी है, जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, ये रेस्ट टू, ये क्या है आपका प्राइमरी, या तीन ही कार्बन लेते हैं, यन पे तीन हाइड्रोजन होते हैं, ये रेस्ट टू, ये क्या है, प्राइमरी है, ठीक, क्या है, प्राइमरी है। अब आपका CH3 CH2 NH CH3, ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का मतलब क्या हुआ, कि ऐसा जो है आइटम जिस पे क्या हो, एक कार्बन जब लगा हो तो प्राइमरी, दो कार्बन लग गए तो सेकेंडरी, और तीन कार्बन लग गया तो टर्शियरी। यहाँ पर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन लगा है, दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन से दो कार्बन लग गए तो क्या हो गया, सेकेंडरी, और अगर नाइट्रोजन से तीन कार्बन लग गए NCH3 CH3, ये क्या हो गया, टर्शियरी। तो ये भी आपके क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एल्कोहल हो, ठीक, तो क्या होगा, वो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक ना। और आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल,
देखिए नाइट्रो और नाइट्राइड, नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है NO O होता है, ठीक, ये नाइट्रो है, क्या है नाइट्रो और नाइट्राइड, ऑक्सीजन से ये कार्बन से जुड़ा होता है, यहाँ पर ये कार्बन से जुड़ा होता है, ये नाइट्रो है, ये क्या है नाइट्राइड, क्या है नाइट्राइड, ये भी एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्या है नाइट्रो और नाइट्राइड फंक्शनल आइसोमर्स हैं, मीन्स मेथिल नाइट्रो, नाइट्रोमीथेन और आपका मेथिल नाइट्राइड CH3ONO, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, ठीक, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन नाइट्रो और नाइट्राइड क्या है दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसी तरीके से साइनाइड में सी ट्रिपल बॉन्ड एयर होता है, ठीक, एंड आइसोसाइनाइड में क्या होता है नाइट्रोजन से जुड़ा होता है सी, ये क्या है साइनो एंड आइसोसाइनो, ये भी क्या है दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्या है फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो जो साइनाइड्स हैं या आपका आइसोसाइनाइड्स हैं ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो क्लियर हो गया कि फंक्शनल आइसोमर्स देख रहे हैं क्या है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने से के बावजूद क्या होंगे लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड नाइट।